हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए 8 अचूक घरेलू उपचार जरूर आजमाएं। 1. हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से बचने के लिए लहसुन की 2 कलियों को सुबह खाली पेट पानी के साथ चबाकर खाना चाहिए। अगर चबाने में परेशानी हो तो लहसुन के रस की 5 से 6 बूंद को भी 20 मिलीलीटर पानी में मिलाकर पी सकते हैं। 2. मेथी और अजवाइन के पानी का इस्तेमाल भी हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए 1 चम्मच मेथी और अजवाइन पाउडर को पानी में भिगोकर रख दें और फिर सुबह इस पानी को पी लें। 3. हाई ब्लड प्रेशर से राहत पाने के लिए त्रिफला का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके लिए 20 ग्राम त्रिफला को पानी में भिगाकर रात भर के लिए रख दें, फिर सुबह इस पानी को छानकर उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर पिए। 4. बताए गए घरेलू नुस्खों के अलावा हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को अपनी जीवन शैली में बदलाव करना भी जरूरी है। आपको सोने से लेकर योग करने तक का एक समय निश्चित रखना चाहिए। 5. हफ्ते में 3 से 4 बार पूरे शरीर पर तेल से मालिश कराएं। इससे रक्त संचार बेहतर होता है। 6. तनाव को दूर करने के लिए प्राणायाम करें। आपको इंटरनेट पर अलग अलग प्राणायाम की अलग अलग विधियां मिल जाएंगी, आप वहां से सीख सकते हैं। 7. हाई ब्लड प्रेशर वालों को भोजन में नमक की मात्रा कम ही रखनी चाहिए। अतिरिक्त नमक की मात्रा आपका रक्त प्रवाह बढ़ा सकती है। 8. दूध में हल्दी और दालचीनी का मिलाकर पीने से भी फायदा होगा, क्योंकि दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ई, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं, तो वही दालचीनी मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, प्रोटीन, कैल्शियम, मैंगनीज, कॉपर, जिंक के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल गुणों से भरपूर होते हैं। इसके अलावा बात अगर हल्दी की जाए तो इसमें भी एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी जैसे गुण मौजूद होते हैं, जो आपको कई रोगों से बचाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। ऐसे और भी कई आयुर्वेद में बताए गए एवं माने हुए सुप्रसिद्ध व रोजमर्रा जीवन में काम आने वाले कारगर नुस्खे पढ़ने और लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेद इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।